भैया जी कितना भी रो लीजिए, कितना भी गा लीजिए, लेकिन जब पावर स्टार पवन सिंह का गाना आएगा तो वो गाना साबित कर ही देगा कि इतना ही नहीं दोस्तों, यही शब्द यही बातें खेसारी लाल यादव को फैन अपने स्टाइल में पवन सिंह के लिए कह रहे हैं कि देखो भैया कितना भी आप खेसारी लाल यादव से कंपेरिजन कर लीजिए, खेसारी लाल यादव से ऊपर उठना है तो एड का सहारा लेना ही पड़ेगा। मतलब पवन सिंह जो है वो एड स्टार, खेसारी लाल यादव जो है वो ट्रेंडिंग स्टार। मतलब हर इंसान की, हर फैन का अपना अपना मानना है। शॉकिंग चीज दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए पवन सिंह के गाने पे कितना ज्यादा व्यूज आया हुआ है और लाइक देखिए। लेकिन अगर बात करें खेसारी लाल यादव की गाने की तो व्यूज पवन सिंह से कम है, अच्छा खासा कम है, लेकिन लाइक देखिए पवन सिंह से बहुत ज्यादा है। अब देखो भैया इस बात को समझना है तो शुरू से शुरू करते हैं और शुरुआत से बताते हैं। और होता यह है कि खेसारी लाल यादव का लगभग 20 दिन से गाना नहीं आता है। खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं, उनके पूरे टीम मेंबर यूट्यूबर सब मिलके एक माहौल बनाते हैं और उस माहौल में खेसारी लाल यादव गाना डाल देते हैं अपने खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे, और वो गाने के साथ लाखों करोड़ों लोग की सिंपैथी मिलती है और वो गाना ट्रेंडिंग नंबर में आ जाती है। फिर क्या होता है, पवन सिंह भी गाना लेके आते हैं और वो गाना आता है और खेसारी लाल यादव के ऊपर चला जाता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इसी बात को लेकर होता है विवाद, चाप के विवाद होता है, आप जान ही रहे हैं भोजपुरी और जातिवाद का माहौल। लोग कहता है कि पवन सिंह के पास कहाँ कहा था खेसारी लाल यादव से टक्कर लेने का, पवन सिंह आता ऐड चला गया, मैं खेसारी लाल यादव से ऊपर चला गया, उसका ज़्यादा व्यूज आ गया है। तो पवन सिंह के समर्थक एक ही बात कहते हैं, बाप दो बाप रहेगा, बेटा दो बेटा रहेगा। लेकिन हम आपको बताते हैं सच दोस्तों क्या है और ऐड का सच क्या है। दोनों लोग ऐड लगाते हैं, भोजपुरी में पवन सिंह भी खेसारी सब लोग ऐड लगाते हैं। लेकिन बात करें अगर एक पार्टिकुलर सुपरस्टार की ऐड लगाने की, पवन सिंह की या फिर खेसारी लाल यादव की, तो ये लोग ऐड नहीं लगाते हैं। अब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अभी हमारे पास ये वाला समझ जाइए कि घड़ी है, अब इस घड़ी का हम ऐड चलाते हैं, आपके पास इस घड़ी का ऐड लेके आते हैं और कहते हैं कि ये घड़ी बहुत अच्छा है, दिस ऐड ऐड है, ये घड़ी बहुत कमाल का है और ये आप तक पहुंचता है और आप इस घड़ी को खरीद लेते हैं। मतलब मेरा ऐड चलाना सफल हो गया और इसीलिए ऐड चलाते हैं और इसीलिए कंपनी भी अच्छे गाने को लोगों तक पहुंचाती है कि देखिए ये गाना कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना ज़्यादा खूबसूरत गाना है। अब इसी में जो गाना अच्छा गाना होता है, जो गाना पब्लिक को पसंद आ जाता है, वो गाना धुआं फाड़ देता है, रिकॉर्ड का सारा बक्सा चीर देता है, और वो बक्सा चीरने का काम किया है पवन सिंह का गाना। और व्यूज लाइक को एक मिनट के लिए बत्ती बनाइए और लगा लीजिए, जाके ट्रेंडिंग सेक्शन देखिए कि गाना ऊपर किसका है। अब ऊपर गाना ऐड लगा के नहीं हो सकता है जब तक उस पर तगड़ा रिस्पॉन्स आएगा नहीं, और यूट्यूब चीख चीख के कह रहा है कि भैया पावर स्टार पवन सिंह से अभी खेसारी लाल यादव इस गाने में तो टक्कर नहीं ले सकते हैं, जिस दिन टक्कर लेंगे उस दिन खेसारी लाल यादव का गाना ऊपर और पवन सिंह का गाना नीचे होगा। तनी हम कुछ बेवकूफों से बात करना चाहते हैं जो सेंसलेस होके इस टॉपिक में अपना दिमाग लगा रहे हैं। आप लोग एक बात बताइए, पुराने दशक में ये गाना जो पवन सिंह का आया है वो फेमस था, वायरल था, हिट था, उस गाने में पवन सिंह अपना आवाज देते हैं। इतना ही नहीं, कल्पना पटवारी उसमें अपना आवाज देती है, जो भोजपुरी की मतलब इंडिया लेवल की सिंगर है, भोजपुरी में अगर फीमेल सिंगर का नाम आएगा तो उनका भी नाम आएगा, उनका आवाज है। प्लस टिप्स भोजपुरी जो बॉलीवुड की ये है कंपनी है, उसका ब्रांच एक भोजपुरी, उस लेवल से गाना आया है। और फिर वीडियो क्वालिटी कुछ इतना तगड़ा लेवल का है कि उसका क्या आपको बताएं। और आपको लगता है कि ये गाना छोटे भैया सुपरस्टार जो एक समियाना में ये करके शूट करके गा रहे हैं वो ऊपर चला जाएगा और ये गाना नीचे चला जाएगा? मतलब आप लोग अपना कॉमन सेंस लगाइए, इतना बेवकूफ़ तो नहीं है ना। इसलिए गाना जो ऊपर रहना चाहिए वो ऊपर है, जो नीचे रहना चाहिए वो नीचे है। जिस दिन खेसारी लाल यादव अच्छा गाना लाएंगे उस दिन खेसारी लाल यादव का ऊपर रहेगा, और ऊपर रहता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता, हमेशा पवन सिंह ऊपर रहते हैं, ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जाने जाते हैं खेसारी लाल यादव। तो सच को एक्सेप्ट करना सीखिए, अभी पवन सिंह ऊपर है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, जिस दिन खेसारी लाल यादव ऊपर होंगे उस दिन पवन सिंह के फैंस जो हैं वो एक्सेप्ट करें कि पवन सिंह नीचे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि सिंपल सा, विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।